हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ दीपाला ब्लॉग एंड रेसिपी में। आप सबका स्वागत है। तीन मैंने प्याज लिए हैं बड़े आकार के और इसको ऐसे कट कर लिया है, और कम से कम 12-13 लहसुन की कलियाँ ली हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। गैस ऑन करके मैंने फ्राई पैन रख दी है, इसमें मैं ऑयल लगा दूँगी। ऑयल को थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है। अब जो हमने प्याज कट करके रखी है उसको हम चेक कर रहे थे, तेल हो गया, क्योंकि तेल हमें थोड़ा हाई चाहिए, अच्छा तेल चाहिए। अब सारी प्याज इसमें डाल देंगे, अच्छे से भून लेंगे। तेल में मैंने प्याज डाल दिए, अब इसको खूब अच्छे से गोल्डन होने तक मुझे भूनना। प्याज मैंने जो पतली रिंग्स काटे थे, देखिए पतले पतले, उससे प्याज जल्दी भून जाएगी हमारी। अगर हम मोटे मोटे काटते तो देर लगती, उसको ऐसे ही भूनते हैं। देखिए प्याज हमारी अच्छे से खूब अच्छे से ब्राउन हो गई। देखिए देखिए कितना अच्छा कलर आ गया प्याज का। अब इसको हमें प्लेट में निकाल। अब हमने 10-12 लहसुन की कलियाँ रखी थी, उनको भी फ्राई। देखिए लहसुन भी हमारे अच्छे से भून गए हैं, अब इसको भी निकाल देंगे। 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे इसमें। अब इसमें हम टमाटर को भून लेंगे। एक हमने हल्दी कट करके डालिए, और टमाटर और जीरा इनको भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटर भी हमारे भून गए, सॉफ्ट हो गए काफ़ी, और हरी मिर्च और जीरा भी अच्छे से भून गया। अब इसकी गैस को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख। मिक्सी जार में हमने जो टमाटर अभी भून के रखे थे वो डाल देंगे, ठंडे हो गए। और जो प्याज मैंने भून के रखी थी वो भी डाल देंगे इसमें। ये सब इस प्याज से सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, इसमें अपना बहुत अच्छा स्वाद होता है अगर ऐसे आप प्याज भूनें। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं देंगे और ऐसे इसका पेस्ट बना लेंगे। उसी फ्राइन में तेल बच गया था, उसी में तेजपत्ता का पत्ता डाल देंगे और जीरा डाल देंगे। 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई, 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी। अब इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसको घोल बना लेंगे। हम नेक्स्ट प्रोसेस कर। अब जो तेल हो गया है हमारा, इसमें डाल देंगे मसाला हमारा कितना अच्छा है। मसाले को फिर अच्छे से भून लेंगे। एक इसमें डाल देंगे साबुत हल्दी, फिर इसको भूनने देंगे मसाले कम से कम 2 मिनट तक। मसाले को बहुत जो मिक्सी जार में मैंने पेस्ट बनाया था वो एक बॉल में निकाल लूँगी। अब इस पेस्ट को मैं जो भुना हुआ मसाला उसमें डाल दूँगी, इसमें डाल दूँगी हल्दी में। उसको अच्छे से भून लिया, अब इसको भूनूंगी इसमें। हमारा वो उधर भी 2 मिनट भून गया था, इधर भी बहुत अच्छे से भून गया था। जो भुनी हुई प्याज होती है उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आधी छोटी चम्मच गर्म मसाला, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। नमक डाल देंगे, अब इसमें डाल देंगे ताज़ी मलाई। आपके पास अगर दही हो ना तो आप ताज़ा दही भी डाल सकती हैं, लेकिन मेरे पास दही नहीं है इसीलिए मैं ताज़ी मलाई डाल रही हूँ। इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। प्रेस करके मैंने कस्तूरी मेथी डाल देंगे ज़रा सी। इस तरीके से आप पनीर को जरूर बनाइए, मसाला पनीर, देखो सब आपकी तारीफ करेंगे अगर इस तरीके से आपने बनाया। देखिए मसाले की कलर भी देखिए कितना अच्छा है। थोड़ा सा हम पानी दे दें, थोड़ा सा हम ज़्यादा हमें अधिक ग्रेवी नहीं बनानी है, क्योंकि ये हमें रोटी से इंजॉय करनी है। अगर आप चावल पुलाव से इंजॉय करें तो आप ग्रेवी को पतला कर सकते हैं। देखिए इतनी ग्रेवी काफ़ी है, कि चपाती से जो होती है वो गाढ़ी ग्रेवी अच्छी लगती है। देखिए हल्का सा खोल आ जाएगा, फिर हम पनीर को डाल देंगे। ये मैंने 150 ग्राम पनीर लिया और इसको ऐसे पीसेस में काट लिया है। फ्राई मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे ऐसे ताज़ा पनीर कटा हुआ बहुत पसंद है। अब इस ग्रेवी में इस करके डाल देंगे और पनीर हमारा बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना अच्छा बना है, मसाला पनीर बिल्कुल बन के हमारा तैयार हो गया। देखिए बिल्कुल मसाला मसाला पनीर भी हमारा बिल्कुल बन के, देखिए बिल्कुल मसाला पनीर भरा भरा, देखिए कितना अच्छा बना है। देखिए
आप इसको चपाती से, पराठे से, पूरी से एंजॉय कीजिए। अगर आज आपको मेरा मसाला पनीर पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।